तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी पीटी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि ये प्रैक्टिस सेट वन है। तो हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं कि देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, टेस्ट लगाना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान के कार्य हैं। तो पहला कथन है, तीन कथन दिए गए यहाँ पर। तो पहला कथन है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। दूसरा कथन है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। और तीसरा है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो देखिए यहाँ पर बताना है कुट का प्रयोग करके सही उत्तर। तो ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, तो केवल एक, दूसरा है एक और दो, और तीसरा है सी दो और तीन, और ऑप्शन नंबर डी है एक दो और तीन। तो देखिए अब तीनों के तीनों कथन सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दो है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुचित जातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के यानी एसटीएससी के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित है। तो यहाँ पर है भाग चार में है, या तीन में है, या कि 16 में है, या 17 में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 में, ठीक है। तो ये 16 में है कि 16 के बाहर शामिल निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में कुछ दिए गए हैं, विद्यमान तत्व हैं जो कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं पर अपने पदों की नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 335 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। मूल अधिकार की विशेषताएं याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। दूसरा कथन है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। और तीसरा कथन है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। और चौथा है, सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य हैं। तो इसमें कूट का प्रयोग करके बताना है कौन सा सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एक दो तीन, दूसरा है दो और चार, तीसरा है एक तीन, और चौथा है एक दो तीन चार, ये चारों सही है। तो कौन सा इसमें सही बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक दो और तीन, तीनों सही है, लेकिन ये चौथा गलत है। सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य हैं, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चार है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तीन कथन है। पहला है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। तीसरा है, इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए नोडल एजेंसी है। तो इसमें बताना है कि कूट का प्रयोग करके कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये तीनों कथन सही है, एक दो तीन, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है, तो फिर इसको क्या पढ़ना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच आता है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट यानी ग्लोबल इकोनॉमिक परस्पेक्टिव रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन है, यह पहला कथन है, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, और दूसरा है, इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो देखिए ये दोनों ही गलत हैं। ये जिसमें सही बताना था, तो देखिए दोनों गलत हैं। इसमें गलत क्यों है, तो देखिए हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक प्रमुख रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जारी की गई है। तो ये कौन जारी किया है, वैश्विक आर्थिक, ठीक है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं विश्व बैंक, जो कि यहाँ पे लिखा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को जारी करता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर है आईएमएफ, तो ये गलत है, ये करता है विश्व बैंक। पहला गलत इसलिए हो गया था, दूसरा गलत है। तो दूसरा देखते हैं कि ये 2023 में भारत सरकार के 6.6 में रहने की संभावना है, और मंदी के कारण बढ़ी हुई मुद्रा स्फीति, उच्च ब्याज दरें, घटते निवेश और रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण उत्पन्न हुए थे।
और ये वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। तो देखिए ये वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, यहाँ लिखा है 1 बार, तो इसलिए ये दोनों गलत कथन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर अनुसूची है और उपबंध है, तो इनको बताना है। तो पहला दिया है चौथी अनुसूची, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। दूसरा है छठी अनुसूची, इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित। तीसरा है, दसवां है, मतलब तीसरे पॉइंट कथन में है दसवां अनुसूची, जो कि संसद के सदस्यों की निरंतरता संबंधित है। तो बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे कथन भी ऑप्शन दिया है, ए है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, और चौथा है 1 2 3। तो इसमें सही हो जाएगा सी नंबर 1 और 3। देखिए यानी कि छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण नहीं है और बाकी बाकी दोनों सुमेलित हैं, ठीक है। यही दूसरा वाला सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित क्यों नहीं है जान लीजिए। तो ये जो है कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात किया गया है, और जो कि ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण है तो ये दिया गया है 5वीं अनुसूची में, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। बाकी ये दोनों सही है, तो आप लोग पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ODS हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रो ब्रोमो क्लोरोफ्लोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है केवल 1 2 और 3 है, केवल 2 और 4 है, केवल 4 है, या 1 2 3 4, चारों सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। तो आप लोग इसको सही बताना था, तो चारों सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है। तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन ए है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने हेतु संसद को सशक्त करना है। तो देखिए ये तो इसमें कौन सा समिष्ट करना गया था, तो ये नहीं था। दूसरा है, विदेश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कर्तव्य। देखिए ये सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 8 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये दोनों गलत है, तो ये इसको आप पढ़िएगा, लेकिन इसमें 8वां सही है, बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पहले ही नहीं पर बोल्ड किया गया है, तो देख लीजिए उसमें बताना है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI का कार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं, ठीक है। तो एक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कदाचार के मामलों की जांच करना, तो ये तो करेगा ही, तो ये सही है। दूसरा है, बम विस्फोट, विमानों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, तो आतंकवादी हमलों की जांच CBI करेगा, तो ये तो सही नहीं लग रहा है। तो देखिए बम विस्फोट विमानों जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों और सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकी हमलों की जांच करना राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्य है, न कि CBI का, तो इसलिए देखिए यही वाला कार्य नहीं है। अब बाकी देखिए ये सब होगा फिर CD, पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विस्तार हो, और डी नंबर है अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना और आपराधिक जानकारी प्रसार करना। तो इस प्रकार बी नंबर जो है यही हो जाएगा सही, क्योंकि नहीं बताना था तो यही हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बहुत ही ये करंट का क्वेश्चन है, यह प्रतिबद्धता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है, और दूसरा कथन है यह पूर्व के USB प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो बताना है इसमें कौन सा सही है। तो देखिए ये दोनों ही सही कथन हो जाएगा, सही बताना था तो दोनों सही हो जाएगा। कैसे सही है, तो देखिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले USB टाइप सी पोर्ट, प्लग और केबल के लिए मानक प्रस्तुत किए हैं। इसका उद्देश्य मार्च 2025 तक देश में भेजे जाने वाले विशिष्ट विभिन्न सामान्य चार्जिंग समाधान प्रदान करना है। देखिए आप लोग सीधा सीधा ये जानिए कि जो इस समय टाइप सी चल रहा है ना, तो वो आईफोन में और हर जगह लगाने का उसका आह्वान किया गया ताकि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट कचरा जो कि ना हो, क्योंकि आईफोन का अलग चार्जर है और बाकी का अलग, क्योंकि टाइप सी USB जो केबल है वो हर जगह लगाया जाता है, तो उसका वो फास्ट चार्जिंग में भी काम आता है, तो सबको एक ही लगा दिया जाए ताकि ज्यादा ई वेस्ट भी ना हो और एक ही से काम चला जाए और ज्यादा खरीदने की इसमें जरूरत भी ना हो, ठीक है।
और देखिए इसमें डाटा हस्तांतरण प्रदर्शन के लिए वीडियो भेजने और चार्जिंग के लिए केवल एक केबल का उपयोग हो जाता है जो यूएसबी टाइप सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं और आगे अब बहुत जल्दी 10 क्वेश्चन या उससे भी ज्यादा किया जाएगा। तो आप लोग देखिए टेस्ट करते रहिए, हम लोग 10 मिनट का वीडियो बनाए हैं, आगे से ज्यादा अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, तो हम लोग ज्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।